तूफान उत्तर पश्चिम में उसकी तरफ बढ़ेगा और फिर गुरुवार तक पाकिस्तान और आसपास के क्षेत्रों सौराष्ट्र और कच्छ तक पहुंचेगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय फिलहाल मुंबई से 600 किलोमीटर, पोरबंदर से लगभग 550 किलोमीटर और कराची से 830 किलोमीटर पर केंद्रित है। चक्रवात यहां से गंभीर रूप अख्तियार करेगा और फिर पाकिस्तान, सौराष्ट्र और कच्छ सहित 15 जून तक आसपास के क्षेत्रों में पहुंचेगा। आने वाले दिनों में राजस्थान के भी कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। अरब सागर तट पर गुजरात के वलसाड़ में तीथल बीच पर ऊंची लहरें उठी हैं। ये तस्वीरें कैद भी हुई हैं कैमरे में और एहतियात के तौर पर तीथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं केरल के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, कोझिकोड और कुन्नूर के लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। बिपरजॉय की वजह से अगले 24 घंटे में मौसम तेजी से बदलने वाला है। इन इलाकों में भी राहत मिलने के आसार हैं जहां इन दिनों लू चल रही है, यानी कि मौसम सुहाना जरूर होगा लेकिन खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान उत्तर पश्चिम में की तरफ बढ़ेगा और फिर गुरुवार तक पाकिस्तान और आसपास के इलाकों सौराष्ट्र और कच्छ की तरफ बढ़ेगा। इसकी वजह से महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय फिलहाल मुंबई से 600 किलोमीटर दूर, पोरबंदर से 500 किलोमीटर दूर और कराची से 830 किलोमीटर दूर अभी स्थित है। चक्रवात यहां से गंभीर रूप अख्तियार करेगा और फिर पाकिस्तान, सौराष्ट्र और कच्छ समेत 15 जून तक आसपास के इलाकों तक दस्तक देगा। आने वाले दिनों में राजस्थान के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। अरब सागर तट पर गुजरात के वलसाड में तीथल बीच पर ऊंची ऊंची लहरें देखी जा सकती है। इस वक्त एक बड़ी खबर चक्रवात तूफान बिपरजॉय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक को लेकर है। दोपहर 1 बजे समीक्षा बैठक